राजधानी देहरादून में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने शीतकालीन यात्रा की सफलता के लिए धामी सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने ये कहा है कि सरकार के ये प्रयास राज्य की आर्थिक के लिए यहाँ पर मील का पत्थर साबित होगा और इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि राज्य निर्माण से पूर्व से ही यहाँ पर सभी शीतकालीन यात्रा की जरूरत को जानते थे। ऐसे में प्रदेशवासियों के दशकों पुराने इस सपने को साकार करने का काम धामी सरकार में ही संभव हो पाया है। इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पर्यावरण और अन्य कारणों की आड़ में ऑल वेदर प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों के लिए ये जवाब है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। हमारे प्रदेश के एसोसिएट मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी राज्य की आर्थिकी एवं रोजगार को बढ़ाने के लिए लगातार अनेकों कार्य कर रहे हैं और राज्य की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाने वाली चार धाम यात्रा शीतकाल में भी उनके प्रवास स्थलों से उसका शुभारंभ हो, वहां पर यात्रा सुचारू हो, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा केदारनाथ के प्रवास स्थल उखीमठ से इसका विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ भी किया गया है और इसके प्रोत्साहन के लिए अब यमुनोत्री के खरसाली से, गंगोत्री के मुखवा से और बद्रीनाथ के ज्योतिर्मठ जोशीमठ से भी यात्रा का और तेज गति के साथ शुभारंभ हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण इन यात्राओं में वहां पर शामिल होंगे, यात्रा को प्रोत्साहित करेंगे।